Yvonne, this is me, Satya, है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ नवंबर के बाकी महीने की रीडिंग जो कि शुरू होता है पंद्रह नवंबर से लेकर तीस नवंबर तक ये रीडिंग होगी साइन ऑफ डेरी इसके लिए से देखते हैं आप लोगों के लिए आ, बाकी का महीना कैसा रहेगा इस रीडिंग में हम कार्ड इंक्लूड करेंगे चांस एड नहीं होंगे सो या स्टार्ट करते हैं देखते हैं आप लोगों के लिए क्या आने वाला है बाकी के महीने में आ, का शिकल करते हुए रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी सो जो बातें जो चीज़ें जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच कर रहे हैं आप उन मैसेजेस को पिक करो बाकी सब सबको छोड़ दो अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो रीच आउट करने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लो इसमें सारी सर्विसेज अलॉन्ग विद द प्राइसेस पेंशन है अगर आप रेडी टू पे हो सिर्फ तभी मुझे आउट करो और उसके अलावा अगर आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी गिवन है सो यप स्टार्ट करते हैं रीडिंग देखते हैं क्या आने वाला है आप लोगों के लिए फॉर द रिमेनिंग प्लीज द सन फाइव सो मुझे लग रहा है कि uh, आप यू नो आपके लास्ट कुछ दिन जो यू नो पंद्रह तारीख से पहले के जो लास्ट यू नो कुछ दिन थे शायद आपने काफ़ी वर्क किया है अपने ऊपर टू यू नो अपने अपने लाइफ से वो चीज़ें आपने निकालने की कोशिश की है जो आपको बेसिकली कहीं ना कहीं आपके रास्ते में ब्लॉक की तरह आपके आगे आ रही थी चाहे एक रिलेशनशिप था चाहे माइंड सेट था या फिर एक चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचना था वो चीज़ें जो आप आ, यू you नो know, um, जिनको सोच के आप ज़्यादा परेशानी ले रहे थे किसी भी चीज़ को या रिलेशनशिप के बारे में अगर सिंगल हो तो या तो सिंगल हुड का सोच के जिस चीज़ की जो भी चीज़ जो आपको परेशान कर रही थी मुझे लगता है कि आपने उस टाइम के अंदर उन चीज़ों के ऊपर वर्क किया जो पंद्रह तारीख से पहले का टाइम था लाइक हो सकता है कि दस से लेके यू नो पंद्रह तारीख तक का जो टाइम था उसके ऊपर यू हैव बीन वर्किंग टूवर्ड्स एयर और जब आप ये इस महीने यू नो बाकी महीने का शुरू यू नो शुरुआत करते हो स्टार्ट करते हो फिफ्टीन से ऑनवर्ड्स का जो टाइम है आप काफ़ी पॉजिटिव रहोगे आपको लगेगा कि यू नो लाइफ इज़ ब्यूटीफुल मतलब इस तरह का आपका लाइफ मंत्रा टाइप का एक रहेगा कि लाइफ इज़ ब्यूटीफुल सब कुछ अच्छा हो रहा है यू नो जो भी हो रहा है जैसे भी हो रहा है आप उसको काइंड ऑफ एक्सेप्ट करोगे और आप उस यू नो लिव इन द मोमेंट करते हुए आप जो चीज़ें आपके पास हैं आप उनके लिए थैंकफुल होगे आप वो चीज़ें जो आपके लिए वर्कआउट नहीं की या छोड़ दी आपने या रिलेशनशिप ख़त्म हो गए वो सब चीज़ें जो आपको परेशानी यू you नो know, का यू you नो know, जो आपकी परेशानी को ऐड करती हैं चीज़ें आप उन सब चीज़ों के बारे में डेफ़िनेटली नहीं सोच रहे हो और आपको लगता है कि नहीं लाइफ नीड्स टू यू नो कीप मूविंग ऑन यू नीड टू कीप मूविंग ऑन एंड आपको पास में रह के अपने करंट को और फ्यूचर को ख़राब नहीं करना तो कहीं ना कहीं आपने वो लेसन लर्न किए हैं जो कि शायद um, आपके पास या तो टाइम नहीं था पहले इन चीज़ों के बारे में पॉजिटिवली सोचने का या लेट गो करने का या फिर हो सकता है कि यू नेवर थॉट ऑफ इट दैट वे हो सकता है कि पहले आप उस चीज़ में से उस फेज में से निकलने की कोशिश करते थे लेकिन आपसे निकल निकला नहीं जाता था लेकिन मुझे लग रहा है कि जैसे ही आप बाकी का महीना शुरू कर रहे हो आपकी एनर्जी काफ़ी पॉजिटिव रहेगी काफ़ी कुछ आपको लाइफ में ऐसा लगेगा कि फाइनली मतलब अच्छा हो रहा है जो भी हो रहा है अच्छा है फाइनेंशियली सिचुएशन जैसी है अच्छी है कंपेरिजन शायद आप यू नो करोगे और आपको लगेगा कि नहीं करंट की सिचुएशन जो है वो इवन Uh, दो वैसी नहीं है जैसे आप चाहते हो लेकिन अच्छी है पहले से बेहतर है लव लाइफ में भी अगर हम बात करें तो मे भी आपको यही फीलिंग आएगी अगर आपने कोई रिलेशनशिप एंड भी किया तो कहीं ना कहीं आपको एक सेटिस्फैक्शन होगी कि आप इससे बेहतर ही डिजर्व करते थे तो कहीं ना कहीं एक वो सेंस ऑफ यू नो यू नो ओनिंग योर डिसीजन इज आई एम पिकिंग अप हेयर कि आप उस चीज़ को ओन करते हुए आप आगे मूव करो कि आप सोचो कि जो हो गया हो गया यू you नो know, आगे का आगे मुझे पता है कि मुझे क्या करना है आगे मुझे पता है कि मुझे यू you नो know, हर वो चीज़ करनी है जो कि मुझे खुश करे या मुझे सेटिसफाई करे इमोशनली तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को समझाते हुए अपने आप के यू नो जो माइंड सेट्स हैं उनको चेंज करते हुए आप आगे बढ़ रहे हो आ, पास का बिल्कुल यू you नो know, हर वो चीज़ जो आपको बॉकडाउन करती थी बुरा फील कराती थी आप उसको आपने अच्छे से उसको यू you नो know, दफना दफन कर आप आगे मूव ऑन करना चाह रहे हो आपको आपको नहीं चाहिए कि आप यू uh, नो you know, वो पास याद रखो जिसने आपको हर्ट किया चाहे वो एक इंसान के साथ था चाहे ओवरऑल आपका पास कुछ यू you नो know, टर्बुलेंट रहा हो कहीं ना कहीं आप बेसिकली यू नो हर वो चीज़ छोड़ते जा रहे हो अपनी लाइफ में जो आपको यू uh, नो you know, एक एक ऐसी फीलिंग देती है जैसे हाफ मिला हाफ नहीं मिला चाहे यू you नो know, एक वन साइड कनेक्शन रह सकता है हो सकता है कि यू नो जॉब आपकी जो थी वो भी इसी तरह की थी हो सकता है कि यू नो रिलेशनशिप्स आपके जो बाकी फ्रेंड्स थे वो भी शायद ऐसे ही थे कि यू नो वन साइड काइंड ऑफ क्या मतलब जैसे एक होता है ना कि आपने हंड्रेड परसेंट किसी चीज़ में दिया आपके लिए मुझे लगता है कि आप हमेशा हंड्रेड परसेंट शायद देते दे थे लेकिन आपके पर्सन ने या चाहे वो फ्रेंडशिप में भी क्यों ना हो कहीं ना कहीं आपको वो हंड्रेड परसेंट किसी से नहीं मिला सो फाइनली यू आर टर्निंग द व्हील इन योर फेवर और आप वो चीज़ें छोड़ रहे हो पीछे जो आपको सर्व नहीं कर रही और आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हो बल्कि आगे बढ़ रहे हो और मुझे लगता है कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे ऑलमोस्ट ये सेम एनर्जीज आई थिंक आपकी एक दो महीने पहले भी इसी तरह की एक रीडिंग आई थी आप लोगों के लिए लेकिन हो सकता है कि अब वो आ, यू नो किसी और मतलब ग्रुप ऑफ सेजिटेरियंस के साथ अब सेम यही सिचुएशन हो रही है कि जो चीज़ें आपको बुरा फील कराती हैं आप उनको लेट गो करते हुए आगे बढ़ रहे हो चीज़ें आपकी लाइफ में जो है ना वो डेफिनेटली आपका जो व्हील है ऑफ फॉर्चून जो है वो आपके फेवर में अब मूव होना शुरू हो चुका है बैड फेस एक यू नो चाहे वो लव लाइफ में था या काम के मामलात में था वो डेफिनेटली एंड हो रहा है और ये आप नो द सन कार्ड इट um, फाइनली जो डार्क फेज ऑफ योर लाइफ था वो खत्म हो चुका है अब आप सिर्फ अच्छा और अच्छा और अच्छा ही अट्रैक्ट करोगे आपकी लाइफ में क्योंकि आपने हर वो चीज़ जो आपको बेसिकली यू नो रोके हुए थी एक बुरी सिचुएशन में वो आप छोड़ चुके हो यू you नो know, एक uh, हैबिट शायद ओवर थिंकिंग की वो छोड़ चुके हो जिसकी वजह से शायद आपके लिए यू you नो know, पहले निकलना उन चीज़ों से मुश्किल था हो सकता है कि आपने अपने आप को बिज़ी कर लिया हो सकता है कि आप अपना टाइम ज़्यादा से ज़्यादा उन चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहे हो जो आपको खुश रखें तो कहीं ना कहीं आपने या तो अपने आप को बिज़ी कर लिया है जिसकी वजह से आपके पास इतना टाइम ही नहीं बचता कि आप ओवर थिंक करो और फिर यू नो बैड फील करो उस सिचुएशन को सोच कर तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं और मुझे लगता है कि स्टिल आपके कहीं ना कहीं यू नो आ, बीच बीच में आपको यू नो बाकी के टाइम के अंदर भी बीच बीच में आपको कहीं कही ना कहीं पास की चीज़ें कुछ याद आएंगी लेकिन आप उसमें से बहुत अच्छे तरीके से निकल पाओगे यू नो ऐसा नहीं होगा कि आप उसमें स्टक हो जाओ या फिर से पास का सोच के रोना शुरू कर दो या पास का सोच के ख़ुद को ब्लेम करो किसी भी पास सिनारियों को लेकर मुझे लगता है कि अब आप इतने मेच्योर हो चुके हो अब आपके पास इतनी अवेयरनेस है क्लैरिटी है हर चीज़ के बारे में कि आप उस चीज़ को अपने ऊपर हावी नहीं होने दोगे एक मोमेंट शायद आएगा जहाँ पे आप लो फील करोगे एक इंसान को सोच के रिलेशनशिप को सोच के काम को सोच के पास का सोच के शायद मिस करो शायद नॉस्टैल्जिक फीलिंग आए लेकिन आप रियलाइज़ करोगे कि नहीं जो करंट है ना दैट इज़ द बेस्ट मोमेंट दैट यू आर हैविंग इन योर लाइफ राइट नाउ और आप इस मोमेंट को यूज़ करते हुए इस यू नो लिविंग इन द मोमेंट में आप अपने लिए यू uh, नो you know, अच्छा जो है वो फ्यूचर जो है वो प्लान uh, करोगे मुझे लगता है कि पास की जितनी भी नेगेटिविटी थी वो आप उसमें से निकालने वाले हो अपनी लाइफ में से एज यू मूव इनटू द नेक्स्ट मंथ आपके अंदर बहुत हद तक आ, पास्ट का जो है वो कुछ नहीं रहेगा आपके अगर यू you नो know, कुछ आ, ऐसे थे कनेक्शन जो आप जिसको लिंगर ऑन कर रहे थे फॉर नो रीज़न पायल ऑन यू नो कर रहे थे उसको पायल अप किए जा रहे थे एक बर्डन को अपनी लाइफ में आप उसको यू नो you know, अब वो नहीं करोगे आप उस चीज़ को ख़त्म कर दोगे आपको नहीं लगेगा कि आपकी लाइफ में किसी भी ऐसी चीज़ की गुंजाइश है या जगह है जो कि आपको ब्लॉक रखे हर वो चीज़ हर वो मैटर जो भी आपको हर्ट करता था यू नो पेनफुल रहता था आपके लिए आप उस चीज़ को खत्म कर रहे हो अपनी लाइफ से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अगर आप ड्रग एडिक्ट थे या फिर आप किसी भी इस तरह की एडिक्शन में थे तो आप उससे अपने आप को डेफिनेटली निकाल पाओगे बहुत अच्छा टाइम है अगर आप इस तरह की किसी एडिक्शन में हो तो अगर आप इसको ख़त्म करना चाहो चाहे इवन की स्मोकिंग भी है अगर आप उसके ऊपर भी काम करना चाहोगे तो आप उसमें से बासानी ईजिली आप निकल चुके निकल सकोगे तो so, डेफिनेटली ये एक uh, मुझे लग रहा है कि ऐसा टाइम है आपके लिए जहाँ पे आप और आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी ओन लाइक यू नो इट्स स्मॉल लाइक यू नो द टाइम जहाँ पे आप अपने ऊपर काम करोगे अपने ऊपर अपनी सेल्फ वर्थ के ऊपर काम करोगे और अपनी लाइफ को आप कैसे लेके आगे चलना चाहते हो उसके ऊपर आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आएगी जिसके बाद आप इस जोन में होगे मैंटली जहाँ पर आप कंप्रोमाइज़ नहीं करोगे किसी भी सिचुएशन में मुझे नहीं लगता कि आप चाहे लव लाइफ है चाहे काम के मामला हैं चाहे बिजनेस के मामला हैं आप कंप्रोमाइज वाली चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करोगे कभी भी अपने लिए क्योंकि जो आपको क्लैरिटी अवेयरनेस आ चुकी है राइट नाउ उससे आप यू you नो know, कभी पीछे नहीं हटोगे आपको रियलाइज़ हो चुका है कि दुनिया अब से भरी हुई है तो आपको किसी भी सिचुएशन में कंप्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है चाहे दुनिया कुछ भी कहे चाहे लोग कुछ भी कहें आपको पता है कि आपको क्या चाहिए आप क्या डिजर्व करते हो नो बडी एल्स कैन टेल यू कि डू दिस तुम इससे ज़्यादा तो तुम्हें मिलने का भी नहीं चाहे वो जॉब के मामलाते हैं चाहे वो यू नो शादी के मामलाते हैं हो सकता है आपके आपको आस के लोग आपके कहते हो कि यू नो अगर आपकी शादी नहीं हुई है तुम्हें इससे अच्छा नहीं मिलेगा दूसरी शादी वाले से शादी कर लो या इस तरह की चीज़ें जो भी चीज़ है आपको पता है कि आप क्या डिजर्व करते हो आपको वो मिलेगा तो कहीं ना कहीं आप बेसिकली हो सकता है एक सोलो जर्नी पे निकल जाओ लेकिन उसमें आपके लिए अबांडेंस है हैव द टू ऑफ कप्स अगर आपकी लव लाइफ की सिचुएशन काफ़ी टफ़ रही है तो मुझे लगता है कि एक नया इंसान आपकी लव लाइफ में एंटर होगा लेकिन अगैन आपकी सोलो जर्नी के बाद आपको काफ़ी सारे लोगों की यू नो you know, काफ़ी सारे लोगों की आ, यू नो अपोजिशन के बाद आप अपनी लव लाइफ के डिसीजन ले सकोगे जैसा आप चाहते हो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपके आसपास के लोग जो हैं चाहे फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं सिबलिंग्स हो सकते हैं हो सकता है कि वो आपको कहें कि यू नो ये, ये प्रपोजल आ रहा है इससे शादी करो या अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ दो इससे यू नो इसको कंसिडर कर लो कुछ भी ऐसा है लेकिन अगर आप अपने दिमाग की सुनोगे दिल की सुनोगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा और आप जिस यू you नो know, आपके लाइफ में एक डेफ़िनेटली एक नया इंसान मुझे लग रहा है कि आ रहा है मुझे नहीं लगता कि पास का आपकी लाइफ में कुछ रहने वाला है रिलेशनशिप या कुछ भी ऐसा चाहे वो टॉक्सिक है या नहीं है मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं स्पेशली अगर एक कनेक्शन रुका हुआ था स्टेगनेशन थी और टॉक्सिक था तो वो ख़त्म हो रहा है आपकी लाइफ में कोई भी ऐसी चीज़ ऐसा इंसान नहीं रहेगा जो कि आपको इन वन वे यू ना इन इवन इन टाइमियस्ट वे जो है वो इफेक्ट कर रहा है आपकी ब्लॉक बना रहा है आपकी लाइफ में वो ख़त्म हो जाएंगी सारी चीज़ें और आपकी लाइफ में आगे मूवमेंट uh, जो है वो चलना शुरू होगी मुझे लगता है कि ऑलरेडी इट हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड क्योंकि ये हम रीडिंग रिकॉर्ड कर रहे हैं um, 19 तारीख की रात को यानी कि नाइनटीन की नाइट को ये रीडिंग रिकॉर्ड हो रही है तो दैट मीन्स कि ऑलरेडी हो सकता है कि फेज़ आपकी लाइफ में हो सकता है पंद्रह से लेकर बीस तारीख तक का जो टाइम था उसमें ये ऑलरेडी आप फेस कर चुके हो एक सुपर्ब किस्म की एंडिंग हो चुकी है जिसमें आपने सारे नेगेटिव माइंड जो है सारी नेगेटिव थिंकिंग को आपने किक आउट कर चुके हो अपनी लाइफ से एंड नाउ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू अबॉन्डेंस हैप्पीनेस एंड सक्सेस इन ऑल एरियाज ऑफ योर लाइफ तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपकी लव लाइफ आपकी टॉप प्रायोरिटी रहेगी क्योंकि जैसे ही आप अपने अंदर यू you नो know, एक पावरफुल uh, uh, यू you नो know, एक एम्पावरमेंट फील करते हो टूअर्ड यूर सेल्फ आप राइट काइंड ऑफ पीपल अट्रैक्ट करना शुरू करते हो और मुझे लगता है कि अब वो फेज़ है आपकी लाइफ में जहाँ आप खुश हो अपनी लाइफ से जैसा भी है सिंगल हो काफ़ी टाइम से स्टिल यू आर हैप्पी यू आर एक्सेप्टिंग दैट एज अ फैक्ट एंड यू आर हैप्पी अबाउट इट जैसे ही आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आना शुरू होती है जैसे ही आप उस चीज़ का लैक नहीं फील करें मुझे लगता है कि आप इन्जॉय करो लिविंग इन द मोमेंट आप यू आर यू नो गेटिंग यूज टू दिस काइंड ऑफ लाइफ आप इसको चेरिश करते हुए इन्जॉय करते हुए आगे चल रहे हो उसकी वजह से आप ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गए टूवर्ड्स अदर पीपल तो कहीं ना कहीं आप अपने राइट काइंड ऑफ पर्सन को अट्रैक्ट कर पाओगे ईजिली uh, उसके लिए मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ करना पड़ेगा मुझे नहीं लगता कि यू नीड टू डू समथिंग अराउंड इट आई थिंक द राइट पर्सन विल जस्ट फॉल इं टू योर यू नो इन टू योर लैब लाइक लाइक एनी थिंग सो देखते हैं और फिर कर्ट रहता है आपके लिए क्या आने वाला है बहुत पॉजिटिव है का, uh, कार्ड बहुत पॉजिटिव एनर्जीज हैं लेकिन हाँ मुझे लगता है कि कुछ लोगों के लिए थोड़ा स्लाइटली यू नो एक फेजेस uh, आएंगे या आके चले गए होंगे क्योंकि हम ये रीडिंग लेट रिकॉर्ड कर रहे हैं तो मेरा ख्याल से ये मेजॉरिटी लोगों के लिए ऑलरेडी हो चुका है अब आप इस एनर्जीज में हो जो कि है द सी फॉर्चून एंड एस ऑफ सोल्स देखते हैं फाइनेंसिस एंड कैियर फाइनेंशियल इश्यूज आर अ इन योर लव लाइफ राइट इफ दैट वॉज द यू नो इशू इन योर लव लाइफ अब वो नहीं रहेगा अगर फाइनेंशियल ही आपको यू you नो know, कुछ इंस्टेबिलिटी uh, थी आपकी लाइफ में जिसकी वजह से आपकी लव लाइफ में इफेक्ट हो रही थी मुझे नहीं लगता कि अब वो चीज़ रहेगी एज यू हैव स्टार्ट मूविंग टूअर्ड्स अबॉन्डेंस तो देखते हैं इकोलॉरिकल एक और एक और कार्ड देखते हैं वो क्या करता है टाइम फॉर हीलिंग मुझे लगता है कि आप ऑलरेडी हील्ड हो चुकी हो लेकिन या कुछ लोग ऑलरेडी इससे हील हो चुकी है होकर आगे बढ़ रहे हैं और कुछ लोगों के लिए ये टाइम जो होगा इसमें आप डेफिनेटली हील होगे अपने पास से हर वो चीज से जो कि आपको आपकी लाइफ में ब्लॉक लेके आ रही थी सो बेसिकली यू आर सेटिंग योर सेल्फ फ्री फ्रॉम एनी ब्लॉकेजेस दैट यूम आई हैव बीन हैविंग चाहे वो लव लाइफ में हो काम के मामला में हो या घर की सिचुएशंस में हो तो बस आप यू नो लाइफ को इन्जॉय करो लिव इन द मोमेंट करते हुए और आपकी सारी परेशानियों जो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगी सो so, ये थी आपकी रीडिंग अगर आपके साथ हेल्प किया हो गाइड किया हो, तो लाइक like, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो टेली नेक्स्टिंग फी गाइज टेक केयर बाय बाय